हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इतना अच्छा चलने वाला सीरियल बालवीर बंद क्यों हुआ, आखिर बालवीर सीरियल बंद होने का कारण क्या था, ऐसी कौन सी वजह थी कि बालवीर सीरियल को बंद करना पड़ा। तो दोस्तों आप सभी के मन में ये सभी सवाल जरूर आता होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों बालवीर बंद होने का असली कारण कौन सा था, आखिरकार क्या हुआ था बालवीर को। तो दोस्तों अगर आप ये सभी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो और बालवीर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे इसी तरह के रोजाना वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों कुछ क्रिएटर का यह कहना है कि बालवीर सीरियल को टीआरपी नहीं मिल पा रही थी और शो को नुकसान हो रहा था। तो दोस्तों और कुछ क्रिएटर का यह भी कहना है कि बालवीर यानी कि देव जोशी को हार्ट की बीमारी थी। जी हाँ दोस्तों, देव जोशी को हार्ट की बीमारी थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी कारण नहीं था। दोस्तों बालवीर सीरियल बंद होने का असली कारण यह था कि बालवीर यानी कि देव जोशी की बोर्ड एग्जाम नजदीक होने के कारण बालवीर सीरियल को बंद करना पड़ा। दोस्तों बालवीर शो को टीआरपी अच्छी खासी मिल रही थी। तो दोस्तों बालवीर सीरियल 2012 में शुरू हुआ था और खत्म हुआ था 2016 को, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों बालवीर यानी कि पूरे 4 साल जबरदस्त चला। तो दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि बालवीर को अभी भी कितना पसंद किया जाता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से पता चल ही गया होगा कि देव जोशी का एग्जाम नजदीक होने के कारण बालवीर सीरियल को बंद करना पड़ा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको बालवीर अच्छा लगता है।